दोस्तों आज की स्टूडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M14 5G स्मार्टफोन को रेडमी नोट 12 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि सैमसंग के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ रेडमी के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग दोनों के हिसाब से ना रेडमी फोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि इस फोन में हमें सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है भाई, आपको मजेदार वाली कंटेंट वॉचिंग करवा देगा, और जो 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट है ना वो भी आपको स्मूथली वाली गेमिंग करवा देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जरा सैमसंग को देखना यार, सिर्फ PLS LCD पैनल दिया जो कि भाई एवरेज है, ऊपर से 90Hz के रिफ्रेश रेट, कोई 120 वगैरह ना कुछ भी नहीं, फुल टू फुल पैसा बचाया भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो सैमसंग का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि One UI 5.1 कोर पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ रेडमी का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर सैमसंग का फोन ही विनर है, क्योंकि इस फोन में हमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो सैमसंग के अंदर हमें Exynos 1330 5G चिपसेट दिया गया जो कि 5nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Redmi के अंदर हमें Snapdragon 4 Gen 1 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ये जो चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ रेडमी फोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स का जो मेन कैमरा है ना भाई वो तो आपकी डिसेंट फोटोज और वीडियोज वगैरह क्लिक कर देगा, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार जरा सैमसंग को देखना भाई, 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ, सिर्फ यूजलेस कैमरा देके इन्होंने काम मुका दिया भाई। अल्ट्रा वाइड कैमरा ये दे सकते थे लेकिन पता क्यों नहीं दिया यार, सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में नहीं दिया इन्होंने, ये हाल है इनके। इसलिए दोस्तों अगर आपकी प्रायोरिटी भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है ना, डेफिनेटली आप यहां पर रेडमी की तरफ ही जरूर से जाइए। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो सैमसंग का फोन भाई यहां पर 6000mAh की बहुत बड़ी बैटरी के साथ में आता है, लेकिन सिर्फ 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ रेडमी फोन के अंदर हमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। डिसीजन दोस्तों आपको लेना है कि आपको बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन लेना है या फिर ज्यादा फास्ट चार्जिंग वाला। और दोस्तों आपको मजे की बात बताऊं भाई, सैमसंग बेशक 25 वोल्ट का सपोर्ट दे रहा है लेकिन मोबाइल बॉक्स के अंदर भाई आपको कोई भी चार्जर नहीं मिल रहा, ये हाल है इनके यार। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स यहाँ पर भाई वैसे तो ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, जिसमें सैमसंग का फोन 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ रेडमी का फोन 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर आपको एकदम शानदार वाला भाई अल्टीमेट वाला ट्रूली 5G कनेक्टिविटी का मजा लेना है ना, डेफिनेटली आप यहाँ पर सैमसंग की तरफ ही जरूर से जाइए। और दोस्तों 3.5mm जैक और सिंगल स्पीकर हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया है। साथ ही भाई सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि सैमसंग फोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ रेडमी फोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 20,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए यार अगर आप एक सैमसंग लवर हैं और भाई सैमसंग का ही स्मार्टफोन लेना ना, तब आप यहां पर डेफिनेटली सैमसंग की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन दोस्तों अगर आप 20,000 रुपए भाई रेडमी फोन पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो देखो ओवरऑल तो वैसे फोन ये बड़ी है लेकिन सच में यार लेकिन काफी ज्यादा ना महंगा फोन है। इसकी जगह पर दोस्तों आप IQ Z7 5G स्मार्टफोन ले सकते हो, क्योंकि यार उसमें आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए OIS plus EIS टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, साथ ही दोस्तों Dimensity 920 चिपसेट भी मिल रहा है भाई। तो ओवरऑल दोस्तों वैल्यू फॉर मनी डील ना यहां पर IQ Z7 5G स्मार्टफोन ही बन रहा है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।